पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण का द्वारक। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। सेकंड क्वेश्चन है, दंत विशेषक किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से सभी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का। थ्री नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन काल ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन है ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, डी आभासी और उल्टा। आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा। फोर नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आपका ऑप्शन है ए प्लस 8 सेंटीमीटर, बी माइनस 8 सेंटीमीटर, सी प्लस 16 सेंटीमीटर, डी माइनस 16 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लस 16 सेंटीमीटर। फाइव नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन है ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आपका ऑप्शन है ए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी 3×10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी 3×10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सेवन नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। यहाँ पर का छूटा हुआ दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए ध्वनि तरंग का, बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी प्राबैंगनी तरंग का, डी प्रासर्व तरंग का। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग का। एट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आपका ऑप्शन है ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दो नियम है इसके। नाइन नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन है ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण में। दस नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ए आर बराबर टू आर, बी एफ बराबर आर, सी एफ बराबर आर बाई टू, डी आर बराबर एफ बाई टू। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ बराबर आर बाई टू संबंध है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी उत्तल और अवतल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। 12 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन है ए
समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। 13 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र है, ऑप्शन है ए 1/v - 1/u = 1/f, बी 1/f + 1/u = 1/v, सी 1/f + 1/v = 1/u, ऑप्शन डी 1/v + 1/u = 1/f। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/v + 1/u = 1/f। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? आपका ऑप्शन है ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी समतल तथा उत्तल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समतल तथा उत्तल में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आपका ऑप्शन है ए वास्तविक, बी वास्तविक तथा सीधा, सी वास्तविक तथा उल्टा, डी आभासी तथा बराबर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही क्वेश्चन है।